एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सिंह और आज आपके लिए लाई हूँ वो खास खबरें जो प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। तो आइए आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के पहले पेपर पर, जिन्होंने बड़ी बड़ी खबरों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो आइए चलते हैं हिंदुस्तान के पहले पेपर। ये बड़ी खबर जम्मू से प्रकाशित की गई है। करारा जवाब मिलने के बाद BSF से हमला रोकने की गुहार की गई है। भारत की गोलाबारी से पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी का BSF ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बलों ने कई पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया है, जबकि कई बंकर और पोस्ट को तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान रेंजर्स BSF से गोलाबारी रोकने की गुहार लगाई गई है। उसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि प्रकाशित की गई है संभल से। संभल की ये वारदात है। प्रेम के रास्ते में चलने के कारण मामा भांजे की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। बताया जा रहा है प्रेम के रास्ते पर चलने की सजा रिश्ते के मामा भांजे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने दोनों की हत्या करके शव को शीशम के पेड़ पर लटका दिया। उन्होंने हत्या के लिए युवती के परिजनों को जिम्मेदार ठहराया और जमकर हंगामा भी। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। टांडेवाड़े में नक्सली हमले में 7 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित टांडेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने रविवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस के वाहनों को उड़ा दिया। इस घटना में वाहन में सवार सभी 7 पुलिस जवान शहीद हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस हमले की निंदा की है और शहीदों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया है। तो इसी के साथ समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एबीपीएस न्यूज के साथ। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। एबीपीएस न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि प्रकाशित हुई है कानपुर से। कानपुर देहात के रूरा में 6 ने तोड़ा दम। सचेंडी के दूध कारोबारी ने हेलट में ली अंतिम सांस। बताया जा रहा सचेंडी से शुरू हुआ जहरीली शराब का कहर कानपुर देहात के रूरा तक पहुंच गया। शराब पीने वाले 8 लोगों की रविवार को मृत्यु हो गई। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई। कानपुर में 10 तथा कानपुर देहात में 9 लोग अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मौतों के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में जहरीली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। उसी के साथ बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी आर्थिक सहायता करने के लिए मृतकों को 2-2 लाख और जो व्यक्ति अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनको 50,000 रुपए की मदद की है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि प्रकाशित की गई है रामपुर से। ऐसे में पढ़ाया जा रहा है 3 तलाक रोकने का पाठ। केंद्र सरकार एक साथ 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। 3 तलाक रोकने के लिए उलमा भी आगे आ रहे हैं। साथ ही मदरसों में अलीमा की पढ़ाई के दौरान 3 तलाक का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये पढ़ाई पहले भी की जाती थी, परंतु इस पढ़ाई पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो एबीपीएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।